अस्सलामुअलैकुम। आई जस्ट वोक अप नाउ। जितना मैं चाहती हूँ कि मैं रात को ना सोऊं, उतनी मेरी आज की लांग रखती है रात को। अब मुझे अगेन फिर सुबह तक जागना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मामा कह रही माफ करो मुझे। अच्छी हूँ। क्या खाओगी? क्या खाओगी? मैं अंडा शामी सैंडविच और कॉर्नफ्लेक्स। क्या खाओगी? मैं जो कुछ होगा सब कुछ। मैंने सोचा एक दो पराठे के बाइट ले लूंगी। जब आप मेरी वीडियो खराब कर सकते हो तो मैं आपकी वीडियो खराब कर सकती हूँ। और सुनाए कैसे आप सब? ठीक है। हाँ, मुझे पता है सबसे घटिया डिसीजन था। खास दिल नहीं था तो मैंने कुछ खास सहरी भी नहीं की। थोड़ा सा पराठा खाया, चाय पी है और थोड़ा सा दही खाया। अब जल्दी से जाके अपनी विटामिन खाती हूँ क्योंकि अजानों में बहुत कम टाइम रह गया है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए आज मौसम कुछ ऐसा है लेकिन इस धूप का भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी हुई है मेरी सुबह और मैं निकली हूँ विटामिन डी लेने। लेकिन 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 मामा की कॉल आई है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नीचे पहुंचू, मैं जाके देखती हूँ मामा की क्या परेशानी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है मामा? वालेकुम अस्सलाम। आज इफ्तारी भेजनी है मैं। तो ये परेशानी थी, ये परेशानी थी। मुझे तो नींद भी नहीं आती जब मैं किधर इफ्तारी भेजती हूँ कि मैं अपने टाइम पर तैयार हो सकूंगी। इंशाल्लाह आज आपकी मदद आपकी बेटी करेगी। ओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बन क्या रहे? बन क्या रहे भाई? ये चिकन पॉट पाई बन रहे। ओए 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 ओए। ये चिकन, ये बन रहा है कस्टर्ड आमंड सूफले के लिए। वाह भाई। ये बन रहा है क्या कहते हैं उसको, पेंडी के लिए चिकन। ओए 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 ओए। मामा आज आप परेशान भी और काम भी बहुत है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रेसिपी शेयर करो, लेकिन जिस दिन आप फ्री होगी तो प्लीज ये पॉट पाई की रेसिपी जरूर शेयर करना। इंशाल्लाह अभी बता देती हूँ मैंने क्या किया। अभी अभी नहीं वो नहीं होगी जो व्यूअर्स है। नहीं थोड़ा सा बता देती हूँ ना। व्यूअर्स कहते हैं स्टार्ट से रेसिपी बताया करिए। बस सारे स्टार्ट से बताइए। तुम आई हो तो मैं ये बना रही थी, बस सारे इल्जाम मुझ पे लगा दो। गुड मॉर्निंग कब की हुई है? कैसी मामा? अभी हुई है ना गुड मॉर्निंग। अभी हमने तो अभी देखा तुम्हें। अच्छा किया। क्यों? खैर हो। मेरी इजाजत है, मेरी। हम लोग काम करिए, सोती रहिए। ये कैसी इंसाफ भी है? बिल्कुल। 4 बजे आप आओ। 4 बजे गुजार दी हम बेचारों ने। मतलब आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर एक को इतना अच्छा सुसर दे। माशाल्लाह कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा केयरिंग। ये बन चुके हैं मज़ेदार फिल्ड कटलेट्स कहूँगी मैं। किसने बनाए? हमें कौन कौन आता है? हमें बहुत लोग आते हैं जो तुम्हारी व्लॉग रोजाना डेली देखते हैं। मामा कहाँ तक पहुँचा काम आपका? मेरा बीपी लो हो रहा है। सब कुछ तो ऑलमोस्ट हो गया। हो गया लेकिन असेंबल्स। वैसे सही बात है, असेंबल करने इन चीज़ों को टाइम लग जाता है। तो मैं तो जाती हूँ जल्दी जल्दी ट्राइफल बनाती हूँ मामा, इससे पहले लेट ना हो जाऊं। हाँ। क्यों ऐसे देख रही हो मुझे? तुम मुझे ऐसे देख रही हो। तुम मुझे ऐसे देख रही हो। तुम देख रही हो। तुम देख रही हो। मम्मा गुस्से से देख रही है मुझे। मम्मा मुझे गुस्से गुस्से में देख रही है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना माँ के सामने ना बाप के सामने। तुम्हारे साइड पे होते हैं हर वक्त। ऑरेंज कट है ना? तो भाई मेरे साइड से होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जरा घूम के दिखा। ओए होए होए कितना तो वेट कम हो गया। सच में बहुत बहुत फर्क है। नहीं वो आप लोग बता रहा हूँ। अब बना रही हूँ मामा आज मैं एक ऐसी चीज बना रही हूँ जो मैं पहली दफा बना रही हूँ और वो मैं खास शेयर उसके लिए बना रही हूँ क्योंकि वो ताकि मैं डाइट तोड़ूं आज। तो आप देख सकते हैं नाजरीन, जो हमें सबसे ज्यादा बातें सुनाते हैं वही हमारी डाइट भी खराब करते हैं। कभी कभी होता है। आज हमारे घर में इतनी आला किस्म की इफ्तारी बन रही है जो कि हर एक चीज़ मामा ने खुद बनाई है और यहाँ पे मेरे भाई के नखरे नहीं खत्म होते। मैं तो इसको इतना कह रही हूँ कि तुम तो पोर्शन में खा लो, थोड़ा खा लो, मेरी तरह खा लो, लेकिन थोड़ा खा लो। ये बनाया सिर्फ और सिर्फ डाइट मेरी बर्बाद करने। मामा की खातिर खा लेना थोड़ा सा पोर्शन में। देखो उसने खुद रोजे की हालत में इतनी थक हार के उसने हमारे लिए सब बनाया। डाइट पर बात कर और बाद में कह सकेगा मोटे हो गए तो है मामा इतना ज्यादा हमें सुनाने लगती है ना, फिर इतना ज्यादा ना, और जो ही डाइट शुरू करते हैं फिर उनका दिल भी पकड़ जाता है। ये वही माँ जो फ्रिज में चीजें फिट नहीं आएगी तो कहेंगे खाओ मौज करो जितना खाते होगा, और जब वो चीजें हमारे अंदर चली जाएंगी और हमारा पेट निकल आएगा तो सबसे पहले हमारे पेट पे मार के कहेंगे ये किया क्या है तुमने। हर वक्त इसको हंसी आती है मुझ पे, रोज कभी गुस्से से देखती है मुझे और सारा इसका साइड लेते हैं कि सबको ये मासूम लगती है रोज। प्लीज प्लीज आपको तो असलियत पता है ना। हाँ, आपको तो पता है मुझे ये असलियत पता है। अल्लाह ताला मुझे शीशा दिखा रहा है, एग्जैक्ट कॉपी है मेरे भाई की एग्जैक्ट। फातिमा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ ठीक है चूहे मार दो भाई तो आप नहीं मारोगे मुझे क्या इस बात पे, आप मुझे मारोगे नहीं। बीवी का साइड नहीं लेता। नहीं मैं खुद खाने के लिए रेडी हूं। तो बस तक माशाल्लाह माय डैड इज अ परफेक्शनिस्ट। इतनी प्यारी उनने बनाई है डिजर्ट कि मामा आप हो जाओ हैरान। बस सही है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको और रेसिपीज भी आती हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं खा सकता ना इसलिए। मामा ये क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं शाही टुकड़े। नहीं इसे शाही टुकड़े नहीं कहते। हाँ, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मामा का फुल प्रूफ प्लान शेड्यूल्स की डाइट बर्बाद करने का। एग्जैक्टली है ना। रोज कर लो ना यार, आज थोड़ी सी तो थोड़ी सी नरमी पैदा कर। आज भी मैं छोले खाऊंगा छोले, वरना मैं मामा सब्र करो मेरे पास वजीफा है, मैं वजीफा करके दम करती हूँ उसका दिल नरम हो जाएगा। मामा अब टेंशन हुई कम हुई, अब खुश बस अभी तलने का काम रह गया, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। सब कुछ अभी तक बन चुके ही है चिकन जिंजर ट्राइफल और शाही टुकड़े, साथ में मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तो यार मैं कह रही हूँ ना तो आज थोड़ा खा लो। जिद्दी लोग देखे हैं इस जैसा नहीं देखा मैंने कोई। कह रही हूँ फातिमा आम ठीक कर रही है लेकिन आम को हुआ क्या है तो भी बताया नजर हो गई नजर। इतना गंदा है कि बस ऐसा लगे जैसे अभी भी हो। अजाने शुरू है, मुकाबला सख्त है। तुम देखो इतनी मेहनत माशाल्लाह मामा जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको अजर दे। आमीन सुमा आमीन। आज फ्राइंग का काम तुम्हारा है, ख्याल करना मिर्च ना घुसा देना आंख मिर्च से तो कम नहीं। बहुत गंदा तो मैं तकलीफ हुई है ना बहुत सख्त। मामा आपको पता है इस घर में सबसे ज्यादा बच्चों की तरह इफ्तारी का किसको इंतजार होता है? शेरोज को। नहीं इधर देखो आयान को, इधर देखो इसको अच्छा आप ये हो रहे हैं मामा के फेमस चिकन शामी कबाब फ्राई। माशाल्लाह माशाल्लाह मामा वेल डन वेल डन माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप ये ठीक है। ओए मजा आ गया। अब हमारे लिए कुछ बनाया कि सब कुछ अपने भाई के लिए बनाया है। हाँ रोस गई मजेदार चीजें। मैं तो चाट खा के एक दिन चाट बन जाएगा। ये है आला किस्म का पाए, ये है शाही ये बता चुकी हूँ कितनी बार बताऊँ मुझे बस ना हो गया बस हो गया। मुझे एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रही कि मैं कितनी बार इनको दिखाऊँ कि मेरी अम्मा ने इतना आला सामान तैयार किया है। अजाने हो रही है ब्रो, चलो दुआ करो शादी। अल्लाह मुझे मेरी चाट दे दे, अल्लाह मुझे मेरा जूस दे दे, कुछ नहीं मुझे मेरी डाइट दे दे। डाइट पे अल्लाह ताला ऊपर से हंस रहे हैं। मम्मी इसको घर से गेट आउट करो। आउट क्यों क्यों कौन आउट मैं। हां गलत है बैठो तब उसने कहा आखिर कि उन्होंने कहा हमारे लिए भिजवाओ, फिर मैंने कहा चलो मैं जाता हूं। थैंक यू। चले मामा का चिकन पाई ट्राई करते हैं। पापा को डाल के दो ना। अच्छा पहले पापा को डाल देती हूँ। पापा मैं ऐसे डालूंगी आप खाओगे मेरे हाथ का। बस चखो और टेस्ट करके बताओ हम सबको भी। पहले मैं जो का पता वो कैसे था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डालूं मैं तुम्हारे लिए। कैसे बड़ा हमारे जो बनता था ना वो चिकन लेग्स वगैरह पूरी होती थी। अच्छा हाँ बड़े डिश जैसे ये भी अच्छा। ये इसमें बनते थे वो। अच्छा यस 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 बाइट समझ दो बाइट ये तो बस यही नहीं तो यही कहा था ना। मैंने ये तो नहीं कहा पूरा पॉट खा लो। रोज़ मुझे बताओ टेस्ट टेस्ट करके जल्दी करो। गर्म है ना यार वो इतना भी गर्म नहीं है। मुझे सिर्फ टेस्ट बता दो कि कैसा है ये। सही बताओ। चलिए मैं ट्राई करती हूँ। इन लोगों ने तो बड़ी फीकी तारीफ की। बड़ा मजे का टेस्ट आ रहा है। चबाओ तो सही फिर एक्टिंग करो। एक्टिंग नहीं करो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। हालांकि मुझे चिकन पाइज बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन इतने आला है बैटर का कितना यूनिक टेस्ट आ रहा है। ये जो इसकी डो है ना बहुत आला। पाई खा रही हो ना बताओ। अच्छा ये वो वाले पाई नहीं तुम्हें पसंद। बहुत मजा आया चिकन पाई। वो पाई पैर वाले पाई सच में मैं कुछ दिन से वही सोच रही मामा वही बनाएगी। अच्छा चिकन पाई मामा ने कहा मैं पाई बनाऊंगी चिकन ही बोला। अच्छा कसम से दिल ही नहीं कर रहा कि आज मैं इफ्तारी से उठूं। बिल्कुल नहीं कर रहा दिल। मैंने बहुत थोड़ा खाया शेरोज़ की वजह से छोले ठूंसे हैं मैंने ठूंसे हैं इसकी वजह से कि मैं फुल रहा हूँ। और आज मैं इतना डाउन हूँ क्योंकि मैंने कहा चौथा दिन है नॉर्मल है आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कुछ खाओ और वो वाली रिएक्शन हो रही है। और उस पर मेरी माँ ने और चीज़ें बना के मेरी बॉडी को और चीखें दिलवा दी। अब मैं जाऊँगा दोस्त की तरफ से कंधे पे सर रख के रहूँगा फिर वापस आके जिम करूँगा और जिम के बाद जो कुछ वीडियोस हैं एडिट करूँगा। हाँ एक वीडियो मैंने बनानी है। कौन सी? स्टे ट्यून फॉर दैट। बिल्कुल नींद से बेहाल हूँ लेकिन चाय की एडिक्शन ही कुछ और है। आओ सोते चाय पी लूँ फिर सोते। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं पोर्शन कंट्रोल करूं या पेंडा खाऊं या पॉट पाई खाऊं या हम इसको रिसोल कहते हैं ये खाऊं क्या खाऊं यार क्या खाऊं मामा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाओ। ये जो है ना ये मामा के नाने हाल की फेमस डिश है और ये मामा ने बनाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। लेकिन इसको रिसोल क्यों कहते हैं? बस वो लोग रिसोल कहते थे ना नाना वगैरह सब इसको। जी आसिया मम्मी कैसे था कैसी थी इफ्तारी? बहुत मजेदार हर एक चीज जबरदस्त। हमें बड़ा इंतजार था इफ्तारी का और हम लोगों को आपकी कॉल का सख्त इंतजार था। बहुत आला रोल्स बहुत मजे का सामान शाही टुकड़े बहुत आला अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें भाई क्या हो रहा है। केडी के अपनी स्पेशल स्मूदी की रेसिपी शूट कर रहा है। ये देखें इतना आदमी को डालता है। वेरी कीमती माय हनी खालिस शहद है खालिस आजकल मिलता भी नहीं है। क्या कर रहे हो ब्रो? ये मामा ले जाओ। मेरा भाई क्या स्मूदी बनाता है मैं बता नहीं सकती। वैसे आप लोगों में से काफी लोग मेरे साथ रिलेट करते हो क्योंकि मैं डाइट पे हूँ भी और मैं डाइट पे नहीं भी हूँ क्योंकि मैं पोर्शन में खा भी रही हूँ लेकिन मैं खा सब कुछ रही हूँ लेकिन बहुत कम। तो टेक्निकली डाइट कर भी रही हूँ और नहीं भी कर रही। होप फॉर द बेस्ट अल्लाह करे वेट तो कम हो जाए एटलीस्ट। इफ्तारी हमने कर ली अब मैं ऊपर आई हूँ कुछ टाइम रेस्ट लूँगी और फिर जिम जाऊँगी। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मामा की अप्रिसिएशन बनती है। अल्लाह ताला मामा के दोनों जहाँ बहुत खूबसूरत करे क्योंकि जितने प्यार जितने खुलूस से मामा सबके लिए इफ्तारी तैयार करती है ना मैं आप सबको बता नहीं सकती। बल्कि अल्लाह ताला हर उस इंसान की जो सारा दिन रोजेदारों के लिए किचन में खड़े होते हैं और कोई कंप्लेन भी नहीं करते। क्या हुआ है? किसने कहा था? कह रही थी थोड़ा सा खा लो खा लो। अभी भी क्या खाया पूछो? क्या खाया? ब्राउन राइस दाल बस। दाल बन जाएगी आपसे सच में यार। दाल दूसरा दिन है। चाट छोले चाट अभी तो चाट नहीं खाई। आपको गैस वैस नहीं होती? वैसे नहीं मैं तो प्रेशर कुकर में क्या तो प्रेशर कुकर और मेरा टब्बा तो हर कोई मुझे कह रहा था कि जो आप वजीफे कर रही हैं उनका रेफरेंस ज़रूर शेयर करें, तो आज से मैं रेफरेंस के साथ वज़ाइफ शेयर करूँगी, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक हदीस में आता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा के घर गए और उनको नसीहत फरमाई कि हर नमाज के बाद और सोने से पहले 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 33 टाइम्स सुभान अल्लाह पढ़ें। और इसकी ये फजीलत बताई कि जो शख्स तस्बीह फातिमा पढ़ेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, ख्वाह वो एक समंदर की झाग के बराबर हो। जो तस्बीह फातिमा पढ़ेगा वो नुकसान में नहीं रहेगा, जो तस्बीह फातिमा पढ़ेगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। मैं बचपन से लेके अब तक तस्बीह फातिमा अपनी फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है और उसमें ये कहा गया है कि आपने तस्बीह फातिमा हर नमाज के बाद पढ़नी है। इस तस्बीह से आपके रिस्क में इजाफा भी होगा और आपकी हर मुसीबत टल जाएगी। तो ये था मेरे आज का मुजरब और छोटा सा वजीफ़ा। अगर आपको भी इस तरह के छोटे मुजरब वजीफ़ों का पता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें और सदके जारिया में शामिल हों। मैं अभी नमाज़ पढ़ रही हूँ और रात के 12 बजे हैं, ना मैं जिम गई हूँ ना मैं नमाज़ पढ़ सकी हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रही थी, पापा ने फ्रूट ट्राइफल बनाई थी तो वो लाजमन आज ही अपलोड करनी थी, तो मुझसे सारे काम रह गए। अब मैं क्या करूँगी, खाना मैंने खाना नहीं है आज, मैं बहुत ज़्यादा फुल हूँ। हालांकि मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने का, मुझे हार्ट बर्निंग हो रही है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं सहरी का इंतज़ार करूंगी और सहरी से पहले जिम करूंगी। और इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ क्योंकि इस वीडियो को भी एडिट करके मैंने आज ही अपलोड करना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।